नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के काल में कई जगह व्यवसायी परेशान, लोग काफी ज्यादा चिंतित थे। हालांकि कोरोना संक्रमण जैसे ही खत्म हुआ, थोड़ा सा लोगों को अपने अपने व्यवसाय पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हुआ। हम बता दें कि जो गृह मंत्रालय का गाइडलाइन था, वो गाइडलाइन लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवसायिक जो संस्थान है उन पर था। हम बता दें, हमारे साथ कमलेश झा जी हैं, जो गंगा रेसिडेंसी, जो कि एक दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल का एक प्रख्यात संस्थान है, जहां विवाह समारोह, होटल, रेस्टोरेंट के लिए एक समय का मात्र एक ऐसा संस्थान था जहां बाहर से कोई भी लोग आते थे तो यही होटल रेस्टोरेंट में रुकते थे, खाते थे, और अभी विवाह भवन के रूप में है। कमलेश जी, क्या लगता है, कोरोना संक्रमण के समय में काफी ज्यादा परेशानी रही आप लोगों को? जी सर, डेफिनेटली। पूरा पूरी जब लॉकडाउन आ गया तो लोगों का आना जाना पूरा पूरी बंद हो गया, जिस वजह से ऑफकोर्स हमें भी बहुत सारा तकलीफ तो झेलना ही पड़ा है। प्रारंभ में जो, चूंकि आपके होटल रेस्टोरेंट का खर्चा था, स्टाफ था, तो किस तरह आप मतलब इसको झेल पाए, इसको पूरे? सच्चाई तो यही है, एंड ये यूनिवर्सल सच्चाई है कि जितने स्टाफ थे हमारे पास भी, काफ़ी सारे स्टाफ छोड़ के चले गए या हमें छोड़ना पड़ा। कारण ये है कि आप पूरा पूरी बंद बिजनेस में कितना दिन किसी को आप बैठा सकते हैं, राइट? बट यस, जब चालू हो गया, हम लोग का लॉकडाउन खत्म तो नहीं हुआ, बट यस, जब सरकार ने बोल दिया कि आप चालू कर सकते, तो काफ़ी सारे लोग आगे गए हमारे पास, जो छोटे छोटे गए थे, क्योंकि सब अपने परिवार के लिए चिंतित थे, सब गए उनको देखने। बट यस, होटल इंडस्ट्री तो धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ, नियमों का हम पालन भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री बाउंस। तो कैसे रिकवर कीजिएगा, ये जो 8-9 महीने का जो समय था उसको कैसे रिकवर कीजिएगा आप और लोगों को, ताकि पहले की तरह सुविधा मिले, विश्वास बढ़े, किस तरह कीजिएगा कमलेश जी? जी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा, और दिला भी रहे हैं लोग धीरे धीरे, कि सेफ्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जितना भी प्रोसीजर है वो सेफ्टी के साथ हो रहा है। जैसे हम लोग सैनिटाइज करते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं उनके बैग सैनिटाइज करते हैं, हम लोग सारा रूम सैनिटाइज करते हैं। एक कमरा हम लोग एक दिन के 4 दिन के बाद लगाते हैं। सपोज कोई कमरा चेकआउट होता है तो हम लोग 4 दिन के बाद ही उस कमरे को लगाते हैं। इनफ टाइम देते हैं कि सैनिटाइजेशन के बाद भी अगर कुछ ऐसा संक्रमण हो तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं हम लोग। शादी ब्याह में भी मैक्सिमम 100 तक अलाउड है, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि 100 से ऊपर आदमी ना आए इसमें, राइट? एंड जो भी गेस्ट आते हैं उनका हिस्ट्री लिखा जाता है, उनका टेम्परेचर लिखा जाता है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जाती है, कहाँ कहाँ से वो गेस्ट आए हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम पब्लिक को या लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि यस, यहाँ पर आने को सेफ है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो कमलेश जी, खासकर अब विवाह तो लगभग बंद था, अब विवाह समारोह प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि जितने पेंडिंग थे, जो शादी तय हो जाने के बाद शादी नहीं हो पाई थी, उनकी शादी प्रारंभ हुए। हम बता दें, नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी ज़्यादा शादियां हुई हैं। तो अब आप किस तरह लोगों को बताएंगे कि आपके विवाह भवन में क्या फैसिलिटी है और कैसे लोगों को क्या सुविधा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शादी के लिए जो विवाह भवन आपके संस्थान है वहाँ तक पहुँचे, और आप उनको किस तरह की सुविधा दीजिएगा, क्या आप उन लोगों के लिए प्रिविलेज दे रहे हैं? कमलेश जी, देखिए, विवाह समारोह जो भी होता है बहुत भीड़ भरा समारोह होता है, बहुत सारा भीड़ इसमें इकट्ठा हो जाता है। बट एज अ होटल ये भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम विवाह के हैं, कि हम अपने गेस्ट को एजुकेट करें, उनको खुद समझाएं कि इतना भीड़ भाड़ से आप ही का नुकसान है, तो हमारे गेस्ट माने नहीं। जैसे हमारे जब 6 दिसंबर को शादी हुई थी, तो हम लोगों ने एक शर्त रखा था कि 100% आप अलाउ कर सकते एक टाइम पर, तो गेस्ट ने भी यही हमारा भी बात माना। हम लोगों ने जितना भी सैनिटाइजेशन रूल्स बिठाए थे, जितना भी सैनिटाइजेशन हम लोग का मशीन था, उससे हम लोग सारे गेस्ट का सारा लगेज सैनिटाइज कर रहे थे, राइट? तो उन लोगों ने भी यही मेक श्योर किया, गेस्ट ने भी। एंड ये अकेले नहीं कोई कर सकता, कोई भी होटल या कोई भी विवाह भवन अकेले नहीं कर सकता, इसमें आपको गेस्ट के क्या बोलते हैं, तो उनकी भी मदद की जरूरत पड़ती है, ऑफकोर्स उनकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, उनके मदद के बिना हो भी नहीं पाता, राइट? तो फैसिलिटी अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सैनिटाइजेशन ही है, सरफेस को सैनिटाइज करके रखना,
चीज़ों को सैनिटाइज करना, कस्टमर्स जो भी गेस्ट आते हैं कंस्टेंट टेम्परेचर मॉनिटरिंग, हम लोग उनका मॉनिटर करते रहते हैं हमेशा टेम्परेचर क्या है जनरली, राइट। बाकी किसी का भी 99.5 से ऊपर रहता तो भी रिक्वेस्ट कि सर आप अंदर मत आइए बिकॉज आपकी वजह से और भी खतरा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड गेस्ट की मदद से ऑब्वियसली सक्सेसफुली हो भी रहा है, ये बात प्रबंधन में काफ़ी सारे जगहों पर हमारे यहाँ भी हुआ है। निश्चित तौर पर हम बता दें, जब इस तरह का संक्रमण होता है, जो आपदा आती है, इस परिस्थिति में जो बड़े संस्थान के संचालक हैं उनके कंधों पर भी जिम्मेवारी होती है। वो जानते हैं कि किस तरह लोगों को सुरक्षित रखा जाए, किस तरह उनको विश्वास दिया जाए और सुविधा भी दिया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। और हम बता दें, गंगा रेसिडेंसी जिस तरह दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लोगों के दिल में समाया हुआ था, बाहर से कोई भी आते थे, यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी आते थे तो पहले इसी स्थान को चयन करते थे। तो क्या लगता है कि अब आपके यहाँ शादी विवाह नॉर्मल रूप से प्रारंभ हो गया है, अब रिकवर हो जाएगा सब कुछ? डेफिनेटली सर, अभी शादी का बुकिंग भी आना शुरू हुआ है एंड यही है, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को विश्वास होगा कि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जिस भी जगह पे, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ हमारे यहाँ, जिस भी जगह पे लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो वो ऑब्वियसली उसको पहले प्रेफर करेंगे। एंड हमारा तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि गेस्ट की सेफ्टी सबसे पहले हमारे लिए, तो हम बता दें। एंड कोशिश भी यही रहती है कि हम लोग जितने भी हमारे स्टाफ है वो भी एजुकेटेड हैं, सबसे 6 फुट की मिनिमम डिस्टेंस बना के रखते हैं हम लोग। इवन हम लोग ने कॉन्टैक्टलेस चेकिंग का भी ऑप्शन रख दिया है कि गेस्ट को कोई डॉक्यूमेंट सामने खड़े होकर देने की जरूरत नहीं, ऑन ओवर द ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जितनी कम से कम इंटरेक्शन हो हमारी भी और गेस्ट की भी, इसमें दोनों का सुरक्षा है, गेस्ट का भी सुरक्षा, हमारा भी। तो हम बता दें, हमारे साथ बता दें गंगा रेसिडेंसी के जो संचालक हैं, जो ऑनर हैं, बाल कृष्ण झा, जो पहले फिल्म दरभंगा में मैथिल फिल्म पहले दिए, उनका नया नया एक इन्वेंशन होता है, नया एक्सपेरिमेंट होता है। उन्होंने इसी साथ गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। तो क्या लगता है कि अब स्कूल सरकार कर रही है कि 18 के बाद हो सकता है तो बच्चों के लिए भी खोला जाए, तो आप किसके कितना तैयार हैं उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 9-10 के बच्चे तो समझ रहा है, उनको बोल देंगे कि आप दूर रहिए तो वो दूर रहेंगे, बट नर्सरी के बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। बट अब जैसे हम लोग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है, अगर सरकार कह रही है कि बोल सकते हैं तो हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना सिखाया जरूर है इस एक साल में कि उनको हम ये समझा चुके हैं कि 6 फुट की दूरी बनाए रखना, बच्चों मास्क लगाए रखना, सैनिटाइजर हमेशा यूज़ होगा। अब जैसे हमने भी यहाँ पर अपनी सारी तैयारी कर रखी है, जैसे बच्चे आएंगे उनके स्कूल बैग हम सैनिटाइज करेंगे, उनके हाथ पे जब भी जो भी होगा उनको सैनिटाइजेशन उनका किया जाएगा, उनका टेम्परेचर मॉनिटर होगा। हमने पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इनकेस अगर किसी बच्चे को सर्दी भी हो तो प्लीज़ उसे घर पर ही रखें, उनका उसी समय ऑनलाइन क्लास भी चलता रहेगा, जैसे ऑफलाइन कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो ऑनलाइन भी उनका क्लास चलता रहेगा ताकि वो बच्चे का कुछ मिस ना हो। तो हमारी तरफ अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग हंसते हुए चेहरे को देखना चाहते हैं, बहुत सामने हम लोग पूरा लगा लग रहा था पूरा माहौल, बच्चे घर पर भी परेशान हो रहे हैं। एक दो गार्जियन ने हमें कहा कि ऑफलाइन ही जो है वो सबसे अच्छा है बच्चों के लिए, ऑनलाइन उसका विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में स्कूल जाते हैं समय पर, उनका बॉडी माइंड एक्टिव होता है, घर में रहते रहते बच्चे डल हो गए हैं, जैसे कई गार्जियनों ने कहा। तो आप किस तरह की सुविधा दीजिएगा? हम स्वाभाविक हम बात करेंगे कि जो फीस है उसको लेकर के, जो ईयरली फीस है उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था आपने किया अपने संस्थान में, तो क्या आप कीजिएगा, प्रिविलेज दीजिएगा कमलेश जी? देखिए, कई सारे गार्जियंस का मानना है कि ऑनलाइन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, बट मेरे ख्याल से लॉकडाउन के वजह से जो ऑनलाइन माध्यम डेवलप किया गया है, ये अचानक ही हुआ, काफ़ी लोग प्रिपेयर ही नहीं थे कि कैसे होगा, तो धीरे धीरे सब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं अच्छा भी चीज़ हुआ है। जैसे पहले बाढ़ के कारण कई सारे स्कूल बंद हो जाते थे, हमारे खुद के स्कूल भी पिछले साल बंद हो गए थे, तो लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया सिलसिला, कम से कम बच्चों की पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं, राइट। तो ये एक बेनिफिट हम मुझे लगा कि है ऑनलाइन पढ़ाई में, ये भी हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा अलग टाइप का इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं,
बट यस, जब ऑफलाइन स्कूल खुल जाएगा, जब बच्चे यहाँ आने लगेंगे तो उस पर तो फोकस होगा ही, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिला के जब अब आगे एक हम लोग कंबाइंड एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे कई सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन में ढूंढी हैं, जैसे एग्ज़ाम्स को एकदम इनोवेटिव बनाया हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि पहले क्या था, रट्टा मारो आप एग्ज़ाम दो आप एकदम नंबर अच्छा लाओगे, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की वजह से सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं हो रहा, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वो अच्छे से उसको दे पा रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है इस तौर पर। एंड आई एम श्योर, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि आने वाले समय में इट विल गेट बेटर, बहुत बेटर। निश्चित तौर पर डिजिटल इंडिया भी आ रहा है और खासकर बच्चों में इस बार तो कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल, नेट का इस्तेमाल तो जरूर सीख लिया। हालांकि अगर बच्चे कंप्लीट नहीं पढ़ते तो बच्चे और डल हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास एक बच्चे को एक बेस बनाया ताकि बच्चा अपनी क्लास से अपने टीचर से दूर ना हो जाए, लेकिन ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अब सोचने लगे हैं, जैसे ही स्कूल खुलेगा वो अपने बच्चे का नामांकन करवाएंगे या बच्चे को लेकर के उस संस्थान में जाएंगे ताकि बच्चा फिर से एक बार एक्टिव हो सके। तो मिथिला मास्टर न्यूज़ के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। कमलेश जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने हमें जानकारी दी। हम बता दें, हम चाहते हैं कि दरभंगा का स्थिति सामान्य हो जाए, व्यावसायिक रूप से सामान्य हो जाए, आम लोगों के लिए जो जनजीवन है वो सामान्य हो जाए, कोरोना के खतरे को देखते हुए लोग पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, गाइडलाइन का पालन करें जब तक कोरोना का टीका सभी को नहीं लग जाता है। तो धन्यवाद कमलेश जी आपको मिथिला मास्टर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।